आपके पास वापस। विनोद, ये जो ऑब्जर्वेशन सेबी ने देखे और कल फैसला लिया है, ये काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने व्यूअर्स को ये बताना जरूरी है कि अगर आपने फोर्थ क्वार्टर नंबर्स देखे हों जी के, तो उसमें एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा लॉस आया था। एक्चुअली स्टॉक गिरा था 7-8%, मुझे याद है। तो किचन सिंकिंग एक तरफ की चल रही है, दूसरी तरफ करंट प्रमोटर्स को लेके, जिनका वैसे ही हिस्सा बहुत कम हो गया है, सेबी ने कुछ फैसले लिए, और तीसरी तरफ मर्जर, जो एक पेंडिंग मर्जर है सोनी के साथ, एक बड़ी कंपनी के साथ। आप इस पूरे केस को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं विनोद? क्योंकि मैं आपको डेटा रखूं तो क्वार्टर, जो भी क्वार्टर बीता क्वार्टर है, उसमें बड़े बड़े फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म होराइजन वाले फंड्स हैं, प्रू जैसे और भी कुछ और, प्लूटस वगैरह, उन्होंने जी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, लेकिन आपकी क्या राय है इस समय? डेफिनेटली अजय जी, ये जो अभी सेबी का जो निर्देश आया, ये काफी गंभीर दिख रहा है। 2019 में जो बता रहा है कि मनी की साफनिंग की है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सवालिया निशान दिखाता है, जिसका असर जिसका वैल्यूएशन पे पड़ेगी। ये स्टॉक नो डाउट, आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये जो इश्यू है, बहुत पहले से लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी, जिसके वजह से। माफ कीजिएगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस न्यूज की वजह से स्टॉक गिरता है यहां पे, ये सारी बातें तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बाजार फैक्टर इन कर रहा है, तो क्या लोअर वैल्यूएशन देखना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली इसका असर तो डेफिनेटली स्टॉक तो गिरेगा, लेकिन मुझे मैं अभी ये गिरा हुआ भाई भाव पे भी ये स्टॉक नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो एलिगेशन है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा री रेटिंग पॉइंट था कि इनका जो मर्जर का सोनी के साथ, वो अगर कहीं उस पर असर पड़ती है, राइट, तो वो एक बहुत बड़ा फिर से री रेटिंग पॉइंट होगा। तो मुझे लगता है कि अभी किसी भी तरह की गिरावट में मुझे लगता है वेट एंड वॉच वाली अप्रोच होनी चाहिए, और इन्वेस्टर को अभी एटलीस्ट खासकर ऐसा निर्देश आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, सो देखते हैं, एक बार टेक्निकल राय भी ले लेते हैं हमारे पैनलिस्ट से। वैशाली, बताएं आप कैसे ट्रेड करेंगी जी को? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल डेफिनेटली नॉट रेकमेंड दिस स्टॉक, बट टेक्निकली, प्योरली ऑन टेक्निकल टर्म्स, 175 का डबल बॉटम बन चुका है। 190 इज द लास्ट सपोर्ट फॉर नाउ। अगर 190 लेवल्स टूटते हैं तो अगेन 175 या लोअर जा सकता है, बट अगर 190 सस्टेन करता है, देन मे बी अ ट्रेडिंग रेंज ऑफ 190 to 210 फॉर नाउ। 210 क्रॉस करेगा तो 220, बट ये स्टॉक हमेशा डिसअपॉइंट करता आया है, सो फ्रेश बाइंग के लिए आई वुड स्टिल अवॉइड, आई मीन मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। ये बात मैं सहमत हूँ वैशाली से कि ये बहुत रिस्की स्टॉक है, बिल्कुल, और इसको ट्रेड करने का अटेम्प्ट उन ट्रेडर्स को ही करना चाहिए जो रिस्क के साथ, जिनकी दोस्ती है और मैत्री है, क्योंकि आपके पैसे लग भी सकते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट प्रोसेसेस में टाइम लगता है, लेकिन जी सोनी मर्जर राह की जो खबर है, आप पहली बार जो खबर आई थी, तब से लेकर अब तक का शायद 1.5 साल निकल चुके हैं, ये प्रोसेस कुछ ज्यादा ही टाइम टेकिंग है। नहीं, ये तो प्रोसेस एनसीएलटी में है ना मामला, तभी तो उन्होंने कहा था कि आपको दोनों साइड, सारे एक्सचेंजेस को उन्होंने भी निर्देश